हाँ जी दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जब हम किसी बिल्डिंग वर्क को करते हैं, बिल्डिंग को बनाते हैं, तो उसमें लगने वाला ब्रिक और मोर्टार की जो मात्रा होती है वो कैसे निकाली जाती है, इसी पर आधारित आज का हमारा ये वीडियो है। आओ दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग एंड क्वांटिटी ऑफ मोर्टार इन ए ब्रिक वर्क। मीन्स कि जब हम किसी बिल्डिंग का ब्रिक वर्क करते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो कितना लगेगा, और उसमें जो मोर्टार उस ब्रिक को करने के लिए, ब्रिक वर्क को करने के लिए जो मोर्टार की मात्रा लगेगी वो कितनी लगेगी, इस चीज़ को हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, सपोज दैट ए बिल्डिंग विच टोटल वॉल लेंथ इज इक्वल टू 25 मीटर। मीन्स कि एक बिल्डिंग है जिसकी टोटल जो उसमें टोटल जो ब्रिक वर्क होनी है उसकी जो लंबाई है वो टोटल कितनी है, 25 मीटर है। ठीक है दोस्तों, एंड थिकनेस ऑफ वॉल इज इक्वल टू 200 mm। 200 mm को हमने इसमें क्या कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 200 mm को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो अपनी कितनी आ गई, 0.20 मीटर। हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 2.5 मीटर, मतलब कि जो ब्रिक वर्क अपने को जितनी हाइट तक होनी है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 2.5 मीटर है। अभी मैं आपको एलिवेशन और प्लान में भी दिखाऊंगा, चूँकि आप फिगर में देख रहे होंगे वो दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसका वॉल का वैल्यूम निकालेंगे, यही वैल्यूम या अपनी जो क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीज़ें दी हुई है, लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है और हाइट दी हुई है। तो वैल्यूम ऑफ टोटल वॉल लेंथ इज इक्वल टू LBH। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको क्या किया, अब इसका निकाला, इज इक्वल टू 25 लेंथ दिया हुआ है, थिकनेस 200 mm, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो 0.20 मीटर, और हाइट दिया है 2.5 मीटर। कैलकुलेशन करने के बाद जो अपनी क्वांटिटी निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 12.5 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, मतलब ब्रिक वर्क की जो क्वांटिटी है या ब्रिक वर्क जितना होना है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है, 12.5 क्यूबिक मीटर आ रहा है विथ मोटार। चूँकि इसमें क्या है, मतलब अपना जो मोटार है उसकी भी क्वान्टिटी इसमें क्या है, इंक्लूड है। मोटार मतलब कि जो उसमें मसाला लगेगा उसकी भी क्वान्टिटी इस क्वांटिटी में क्या है, इंक्लूड है। आइए दोस्तों, मैं आपको फिगर पर भी दिखा के मैं बताता हूँ कैसे है वो। ठीक है, देख रहे हैं कि एक वाल को मैंने प्लान बनाया हुआ है जिसका जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर है, और जो एल शेप है वो कितना है, 5 मीटर है। ठीक है दोस्तों, हम दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितना, 25 मीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, वो अपनी लेंथ दी हुई है, एंड जो ये उसका क्या है, एलिवेशन है, आपके सामने जो फिगर में दिख रहा है वो एलिवेशन है, और इसकी जो हाइट दी हुई है ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वो कितनी दी हुई है, 2.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए ब्रिक या स्टैंडर्ड ब्रिक साइज जो होता है विदाउट मोर्टार, मीन्स कि इसमें जो मोर्टार लगा है उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब उस को हम काउंट नहीं करेंगे, तो जो साइज अपना आता है वो 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm आता है। इसी ब्रिक में जो एक ब्रिक के 6 फेस होते हैं, अगर प्रत्येक फेस में हम 5-5 mm और ऐड कर दें तो ब्रिक का अपना जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वो इंक्रीज हो के अपना 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm, और इसी जो ब्रिक है साइज इसको हम क्या कहते हैं, विथ मोर्टार ब्रिक का जो साइज है वो ये होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, अब जो ब्रिक दिया हुआ है इस ब्रिक का, सिंगल ब्रिक का हम क्या निकालेंगे, वैल्यूम निकालेंगे। तो वैल्यूम आप स्टैंडर्ड साइज आप ब्रिक विदाउट मोर्टार, मतलब कि मोर्टार के बिना हम ब्रिक का, एक सिंगल ब्रिक का वैल्यूम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि उसका जो साइज़ है 0.19 इंटू 0.0
90 × 0.90, चूँकि हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर लिया ऑलरेडी मीटर में, सारा चीज़ जो mm में दिया हुआ है उसको हम एक में कर देंगे, mm में तो टोटल mm में और मीटर में तो टोटल mm में। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो सिंगल ब्रिक है विदाउट वैल्यू, विदाउट मोर्टार ब्रिक का जो वैल्यूम है वो आ रहा है अपना कितना, 0.00154 क्यूबिक मीटर। इसके बाद हम निकालेंगे वैल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए ब्रिक विथ मोर्टार, मीन्स कि एक ब्रिक का जो हम वैल्यूम निकालेंगे कि मोर्टार के साथ, मीन्स कि उसके चारों साइड जो मसाला लगता है उसके साथ जो ब्रिक का वैल्यूम है वो निकालते हैं। जैसा कि एक ब्रिक का साइज हमने बनाया हुआ है फिगर में, आप देख सकते हैं इसका जो लेंथ है वो कितना है 200 mm, एंड जो इसकी हाइट है वो है 100 mm, एंड इसका जो विड्थ है वो है आपका 100 mm। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इंक्रीज होने के बाद जो ब्रिक का साइज़ है वो हो गया अपना 200 mm × 100 mm × 100 mm। कैलकुलेशन करने के बाद जो सिंगल ब्रिक का जो वैल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.002 क्यूबिक मीटर। ये जो वैल्यूम निकाल के आया वो विथ मोर्टार, मतलब इसमें चारों साइड जो मसाला लगा है वो इंक्लूड करके जो सिंगल ब्रिक का वैल्यूम आया वो कितना है, 0.002 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, ठीक है ये अपना निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमें निकालनी है उसमें लगने वाला नंबर ऑफ ब्रिक्स, मतलब कि 25 मीटर लंबाई और 2.5 मीटर हाइट की जब चिनाई हम करेंगे तो उसमें लगने वाला जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स है, कितने नंबर ब्रिक्स हैं वो हमें हम निकालनी है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वॉल इज इक्वल टू टोटल वॉल वैल्यूम, जो कि हम पीछे पहले इसी में निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाई ए ब्रिक वैल्यूम विथ मोर्टार। ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि एक ब्रिक, उस ब्रिक के वैल्यूम से हमें डिवाइड करना है जिसमें मोर्टार क्या है, जिस ब्रिक के साइज में मोर्टार की जो थिकनेस है वो क्या है, इंक्लूड है, तभी ही हम, तभी हमारा जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है वो निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, तो टोटल अपनी क्वांटिटी वाल वैल्यूम कितनी है, 12.50, और एक नंबर जो ब्रिक है उसका जो वैल्यूम है वो कितना है, 0.002। कैलकुलेशन करने के बाद 6250 नंबर ब्लॉक अपने को क्या होगा, लगेगा, मतलब कि 6250 नंबर ब्रिक्स रहेगा। तो हमारा 25 मीटर जो ब्रिक है उसकी चिनाई हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी क्वान्टिटी निकल के आ रही है। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलने के बाद अब हमें निकालनी है क्वांटिटी ऑफ मोर्टार इन ब्रिक वर्क, मीन्स कि उसमें जो लगने वाला मोर्टार है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब उससे पहले हम निकालेंगे कि उसमें जो क्वांटिटी है उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स, स्टैंडर्ड साइज का जो ब्रिक है वो कितना नंबर लग रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वॉल एक्सक्लूडिंग मोर्टार, एक्सक्लूडिंग मोर्टार इज इक्वल टू टोटल वॉल वैल्यूम डिवाइडेड बाई ए ब्रिक वैल्यूम विदाउट मोर्टार, मीन्स कि एक स्टैंडर्ड साइज का जो ब्रिक है उसका वैल्यूम से टोटल वैल्यूम में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उसमें लगने वाला जो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपनी जो टोटल वॉल वैल्यूम दिया हुआ है 12.5 क्यूबिक मीटर, और सिंगल स्टैंडर्ड साइज का जो ब्रिक है उसका जो वैल्यूम है वो कितना है, 0.00154 क्यूबिक मीटर। कैलकुलेशन के बाद जो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ रहे हैं वो 8116.88, अप्रॉक्सीमेट 8117 नंबर ब्रिक्स क्या होगा, लगेगा, स्टैंडर्ड साइज का जो ब्रिक है वो 8117 नंबर्स ब्रिक लग रहे हैं टोटल क्वांटिटी में। ठीक है दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, तो चूँकि हमें ज्ञात है जो उसमें लगने वाला ब्रिक है वो 6250 नंबर लग रहा है, और जो स्टैंडर्ड साइज़ का ब्रिक है, मीन्स कि ये जो नंबर है इसमें क्या है, आपका जो मोर्टार है वो भी इंक्लूड है, तो इन ब्रिक का जो डिफरेंस होगा
मतलब इस ब्रिक का जो डिफरेंस आएगा वही अपनी मोर्टार की क्या होगी, क्वांटिटी होगी। तो ब्रिक डिफरेंस इजिकल टू 81 जो चूँकि दिया हुआ है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो अपना ब्रिक लगने वाला है वो 6250 नंबर लगने वाला है। तीन का जो ब्रिक रेफरेंस आया वो कितना आया, 1867 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये अपना आ गया ब्रिक का नंबर। ये चूँकि ब्रिक का नंबर है, मतलब इतनी क्वांटिटी का अपने को क्या लगेगा, मोर्टार लगेगा। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, 1867 नंबर स्टैंडर्ड साइज ब्रिक का जो वॉल्यूम होगा वही क्या होगी, मोर्टार की क्वांटिटी होगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वांटिटी ऑफ मोर्टार इज इक्वल टू ब्रिक डिफरेंस इनटू ए ब्रिक वॉल्यूम मींस कि एक स्टैंडर्ड साइज ब्रिक का जो वॉल्यूम है, अगर उसके हम जो ब्रिक रेफरेंस है उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है मोर्टार की वो निकल के अपनी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो नंबर दिया हुआ है 1867 इंटू जो एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो 0.00154 क्यूबिक मीटर है। कैलकुलेशन के बाद अपनी जो क्वांटिटी निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 2875 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी क्वांटिटी निकल के आ रही है मोर्टार की। अगर इसमें सीमेंट और सैंड की मात्रा निकालनी है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हूँ, उसको चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।